ये और ये। इसके अलावा हमारे जो और स्टॉक है जो कि हमारा इंशाल्लाह से 2 से 3 दिन में हमारे पास वो भी आ जाएगा। ये पीना आप कौन सा वाला पीना है, अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी यादियानी करा दूं तो। पर इसको लपेट रहे हैं, थक गए, ये भारी भी बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा भारी हो चुका है। इस धागे के अंदर ये देखें कितने मजे के रिंग बनते हैं और ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का थ्रेड है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग विद अमाद खान काइट्स मेकर एंड होलसेलर। और आज बहुत खूबसूरत दिन है, इतवार का दिन है जिसको संडे वगैरह बोलते हैं, और संडे को फंडे होता है, और फंडे को हमने क्या करना है आज के व्लॉग में, हमने बहुत ही खूबसूरत किस्म का काम करना है। लेकिन यार ऐसा है कि मैं आज कल मैंने एक वीडियो लगाई थी जो कि पिशावर हम गए थे, हमने विज़िट किया था, क्योंकि पिशावर के 2-3 शॉप्स वाले हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारी वीडियोस भी देखते हैं और आप लोगों के कमेंट्स भी देखते हैं, और वो कहते हैं जी हमाद भाई आप पिशावर भी आया करें, हमारे पास विज़िट किया करें, और यहाँ पे हमारे पास जो जो वैरायटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं आप लोगों को बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि इतनी शॉप्स हैं, इस तरह की वैरायटी है, और हर चीज़ पिशावर काइट मार्केट में आप लोगों को मिल जाएगी। अब बात करने का क्या मकसद है, आप लोगों को बताने का क्या मकसद है, आप लोगों को मैंने ये बताना था कि यार पिशावर काइट मार्केट जो है वहाँ पर 500+ शॉप्स नहीं है, 50+ शॉप्स हैं जो कि वहाँ पे होलसेल की शॉप्स हैं, ऑल ओवर पिशावर की बात की जाए। इस नंबर पे ये है कि एक और भाई ने कमेंट्स किया था, भाई मेरे मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग कमेंट्स करें, बहुत अच्छी बात है, आप लोग मेरे चैनल को वॉच करते हैं और आप लोग अपनी राय देते हैं। तो एक भाई ने कमेंट्स किया था भाई जान कि आप पिशावर का मुकाबला नहीं कर सकते। यार हम मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा पिशावर एक मेन एरिया है, मेन सिटी है, जहाँ पे बहुत पुराने टाइम के से वहाँ पे काइट्स वगैरह सेलिंग होती हैं, साया काइट्स वगैरह वहाँ पे लोग परचेजिंग वगैरह करते हैं, काफ़ी अरसे से हमारे से पहले के लोग भी हैं जो वहाँ पे आते थे, वहाँ से काइट्स वगैरह लेते थे, और हमसे ज़्यादा और अच्छे वैरायटी के अंदर वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, हम किसी को गलत नहीं बोलते। आज की बात करने का मकसद यह है कि वहाँ की वैरायटी और यहाँ हमारी वैरायटी में डिफरेंस इस चीज़ का है कि मैं ज़्यादातर आप लोगों को फैंसी चीज़ का सामान देता हूँ, जैसे आउट ऑफ कंट्रीज़ की डिलीवरी होती है। शौक की बात की जाए तो वहाँ पर मैं गया तो मैंने कुछ 2023 की कलेक्शन वगैरह ली, तो वो 2023 की जो कलेक्शन थी वो तावा की काइट की कलेक्शन थी। तो ये बसंत आ रही है 2023 की कलेक्शन है जो कि तावा काइट्स के अंदर है। पिंडी वालों फिर नहीं कहना, पिंडी वाले गोट भी ला के दिखाओ ना। अहमद को बोला है एक-एक सेट दिखा, एक-एक सेट दिखा, लेकिन ये सुनते ही नहीं है, तुझे समझ नहीं आती यार। हमारे पास अच्छी काइट ना हो, सिर्फ किसी और के पास हो, तो फिर इस चीज का बिल्कुल मजा नहीं आता, टेंशन होती है, परेशानी होती है। जो जो काइट मुझे पसंद आती है तो मैं वो ले लेता हूँ, परचेज कर लेता हूँ, और मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मुझे अच्छी लगती है। तो ये है कि मुकाबला हम किसी के साथ नहीं करते, तो बस ये है कि आप लोगों को हर चीज़ बताते हैं और कोशिश करते हैं अच्छी से अच्छी चीज़ आप लोगों को रोज़ाना बताई जाए। आप लोगों ने ये करना है, न्यू व्यूवर जितने भी हैं अमाद काइट्स मेकर को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी वो चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में बहुत ज़बरदस्त कुछ होने वाला है, तो इंशाल्लाह चलते हैं अपने काइट स्टोर रूम में, वहीं पर शुरुआत करते हैं कि आज बड़ा फिट सीन होने वाला है। हमने देख लिया है तो आगे फुल की फुल वीडियो भी आप देखेंगे, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो काइट स्टोर में तो हम पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पे एक मसला होता है जो कि संडे वाले दिन होता है, पूरा का पूरा दिन लाइट नहीं होती, और पाकिस्तान के रूल्स का आपको पता है कि पाकिस्तान में जो दिन सिलेक्ट हो जाए नहीं देनी अवाम को, तो भाई नहीं देनी, उन्होंने अवाम को लाइट नहीं देनी होती। बहरहाल जो भी है, हमने आज जो हमारा प्लान था, काफी लोग कह रहे थे कि भाई हम आज भाई कोई अच्छी सी वीडियो होनी चाहिए जो हम देखें और हमें मजा आए। आज की वीडियो में क्या होने वाला है तो आपको दिखाते हैं जी। ये हमारे पास मांझा की बड़ी चरखी पड़ी हुई है और ये इसका पिन्ना आ गया है। क्यों अहमद भाई, ये पिन्ना आप कौन सा वाला पिन्ना है, अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी यादियानी करा दूं तो ये पिन्ना वो वाला पिन्ना है। हम लोगों ने एक बसंत फेस्टिवल किया था, हमने कहां पे किया था अहमद भाई बताएं जरा, मुशकपुरी टॉप में हमने बसंत फेस्टिवल किया था, जो कि आज से 2 महीने पहले हुआ था, 12 अक्टूबर को, शायद 12 अक्टूबर को हुआ था ना, 12 अक्टूबर को हमने आई थिंक किया था, जो कि हमारा मुशपुरी टॉप का बसंत फेस्टिवल का इवेंट हुआ था। अभी इस चरखी को हमने क्या करना है जी, ये है जी 16 पीस की हैवी चरखी है। अहमद भाई इसके ऊपर से अखबार उतारो, अभी जी हम इसके ऊपर से अखबार उतारते हैं, तो ए देखें जी माशाल्लाह से ये अभी थोड़ी बहुत ख़राब हो चुकी है, लेकिन ख़राब उस तरह ख़राब नहीं हुई। ऊपर जो हमने फ्लाई की थी कैश, तो जो हमने उतारी थी तो वापस इसके ऊपर लपेट दी थी। तो अभी हमने ये करना है कि इस चरखी के ऊपर जितना भी थ्रेड लगा हुआ है, तकरीबन ये 16 पीस की चरखी है,
6 पीस जेन्युइन धागा इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो अभी इस धागे को हमने रोल करना है एक बॉल शेप के अंदर। देखते हैं जी हम आज कितनी बड़ी बॉल और कितने टाइम में बना लेंगे। वो वाली बॉल है उसके साथ ही शुरू करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं जी इसकी बॉल रोलिंग करना और टाइम भी देखते हैं जी कि हमारा चैलेंज है कि हम कितने टाइम के अंदर इस बॉल को रोल करते हैं और एक बहुत ही बड़ा सारा पिन्ना बनाते हैं। पंजाबी पिन्ना कहते हैं, हम भी पिन्ना ही कहते हैं, पिन्ना कहते हैं या बॉल जो भी है आप जो मर्जी कह सकते हैं इसको। तो अभी हम इसको इंशाल्लाह उसमें कन्वर्ट करते हैं, चरखी कन्वर्ट इनटू रोलिंग बॉल इन शेप ऑफ बॉल, मतलब कि जो धागा होगा ना हमारा इसको हमने उसके अंदर कन्वर्ट करना है। चलें कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है और कितने टाइम में होता है। होना स्टार्ट हो चुकी है और अहमद भाई लगे हुए हैं जी रोलिंग करने में। अहमद हाथ काट रहे हैं, जा ग्लव्स ले आ, मेरी बात सुन, ग्लव्स ले आ। अभी इसके साथ हम ग्लव्स लगाएंगे, जो हमने ग्लव्स लाए थे वो इस मांजा के लिए स्पेशल ग्लव्स होते हैं और उस ग्लव्स का आप लोग इस्तेमाल किया करें, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया करें, आपके हाथ नहीं कटेंगे, ख्वाह वो बारीक केमिकल है ख्वाह वो मजबूत केमिकल है। अरे शफात भैया जी ये भी आज से ऑनलाइन काम करेंगे हमारे साथ, काफी अरसे बाद आए, देखें और ये देखें जी अहमद भाई ने जी उतार लिए जी। अब देखें जी ग्लव्स दिखा दोनों हाथ, पहले ग्लव्स दिखा, ये देखें जी ग्लव्स, ग्लव्स माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे ग्लव्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जाएगा इसको रोलिंग करने में। ये चलें स्टार्ट करते हैं जी रोलिंग। आप भी मुंह मत देखें, आपने भी ये लपेटना है पूरा करना है, देख किस तरह लपेट रहा है। कस्टमर के मैसेज आ रहे हैं जी, डील कर रहा है जी, आईफोन 12 प्रो मैक्स रखा हुआ है और बड़े इंजॉय करते हुए ऑर्डर्स ले रहे हैं। अहमद भाई आपको आवाज़ भी आ रही होगी ये लपेट रहे हैं धागे की आवाज़, तो इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करते हैं, देखते हैं जी कितने टाइम के अंदर होता है। अभी इस बॉल को मैं खुद रोल करूंगा और देखूंगा जी कितना टाइम लगता है। असल में ये चरखी से जो निकाल रहे हैं ना, चरखी से बहुत मुश्किल होता है। ग्लव्स भी पहने, ग्लव्स का भी टेस्ट हो जाएगा हमारा इसी तरह और धागे का भी टेस्ट हो जाएगा कि हम इस थ्रेड की कितनी बड़ी बॉल बना लेंगे। और ये बॉल जिस जिसको चाहिए वो हमारे साथ कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, बड़ा VIP थ्रेड है। थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा भी आप लोगों को मिल जाएगा। कम्प्लीट करते हैं बॉल बनाने के लिए, इतना टाइम लगता है। Just got a bag, I'ma blow through. I need some space, the O2. And I get the shit that you go through. It's probably my fault if I ghost you. I push away people I'm close with. Won't stand on a stand, I don't know shit. Yeah, we took a pic and I posted. I remember the blog I was posted. My rep ring gon' shine like a glow stick. I'm like, can you swallow this whole shit? They're riding my wave like an ocean. Wait, I can't tell the time on my new Audemars. I do this shit, that gon' set me apart. Yeah, girl, I'm a savage, yeah. So I got a bad, you stay at the top, yeah. We came from the bottom. I got a script from the dark, yeah. Got Percocet problems. My haters want me to flop, nah. Say fuck em, we ballin'. I don't say shit, but I miss you a lot, yeah. Say fuck it, I'm callin'. You better pick up the phone when I phone you. I don't go bro, that's the shit that my clones do. I don't show love to a hoe unless I own you. I wanna hold you. Don't always do. Finally, तो हमने बहुत ज़्यादा काफी टाइम से लगे हुए हैं और इसको लपेट रहे हैं। थक गए, ये भारी भी बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा भारी हो चुका है। अभी इसको मजीद थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। हमारा मकसद ये था कि इसका तो चैलेंज कंप्लीट करना था, लेकिन ये थोड़ी सी खराब भी हो चुकी थी और इसको हमने ठीक भी करना था और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी ठीक हो गई है। जिस कस्टमर को भेजें और वो कस्टमर कहता है भाई धागा ठीक नहीं है, तो धागा हम देखो खुद अपनी मर्जी से आप लोगों को अच्छी तरीके के साथ सेट करके धागा भिजवाते हैं। देखें पास ले गया, कितनी बड़ी बॉल हो चुकी है ये आप लोगों को नज़र आ रही है, माशाल्लाह बहुत बड़ी बॉल है, हैवी किस्म की है। 1 kg वेट हो गया होगा तकरीबन 1 kg। अब इसको उठाना, हाथ में उठा के और इसकी वीडियो बनाना। ओहो तो बर्तन तोड़ दे, हमारा कैमरामैन पागल हो गया भाई। बर्तन वो कर रहे और ये देखें जी, मैं तो अब मजीद थक गया हूँ। अहमद भाई आप आए और थोड़ा सा बनाए। The shit that you go through, it's probably my fault if I ghost you. I push away people I'm close with. Won't stand on a stand, I don't know shit. Yeah, we took a pic and I posted. I remember the blog I was posted. My rep ring gon' shine like a glow stick. I'm like, can you swallow this whole shit? काफी सारी मेहनत के बाद हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें बॉल बन चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अहमद भाई भी लगे हैं, क्यों बॉल हमारी हो चुकी है और बहुत ज्यादा बारी हो चुकी है। तो मेरा ये इरादा बन रहा है कि इसको यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बारी हो चुकी है। जब हमसे कोई कस्टमर भी मांगेगा तो हम उसको सेंड करवाते हैं, तो फिर वो उठाएगा, इस्तेमाल करेगा, फिर इसको दोबारा से रिप्लेस करेगा, बॉल के अंदर करेगा,
तो फिर उस टाइम वो सेट नहीं हो पाएगी। कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से, और चरखी भी अगर आप देख सकते हैं तकरीबन अभी ज़रा सी भी नहीं खाली हुई। ये देखें अभी चरखी सेम उसी तरह की चरखी है, ये ज़रा भी खाली नहीं हुई। लेकिन ये देखें जिसके ऊपर धागा कितना ज़्यादा होता है, इस धागे की क्वालिटी चेक करें, इस धागे के अंदर ये देखें कितने मज़े के रिंग बनते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का थ्रेड है, हाथ देखें अहमद भाई के पकड़ा हुआ था। और मेरा ये देखें ग्लव्स इतना ख़राब नहीं हुआ, असल में इसके साथ ज़्यादा वो चिपक के जब लपेटते हैं ना तो ये हर जगह आता है ना, उसकी वजह से ये ग्लव्स थोड़ा सा ख़राब हो गया। लेकिन ग्लव्स बड़ा अच्छा काम करता है, जब आप केमिकल डोर बारीक डोर का इस्तेमाल करोगे तो ये बहुत अच्छा काम देगी आप लोगों को। तो इंशाल्लाह ये है कि हमारी बॉल डन हो चुकी है, तो देखते हैं जी इस बॉल का क्या करना है। और जिसको चाहिए डिस्क्रिप्शन पे कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखते हैं जी बॉल हमारी कितनी और मज़ीद होती है, एंडिंग देखेंगे इसकी कैसी होगी, और उसके बाद जो हमारे बहुत सारे और काम भी हैं वो काम भी करने हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करना है यार, काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं हम इसके ऊपर और हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा ये पूरा का पूरा इतना बड़ा बॉल बन चुका है, जो कि हमने चरखी खाली की है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हो चुका है। मोटे धागे हैं और ये वाले जितने भी पड़े हुए हैं, ये जितने भी हैं हमारे पास, ये देखें शाइन आपको नज़र आ रही है, ये बारीक धागे हैं। और ये यहाँ पे इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि हमने यहाँ से खाली करना था, आपको पता था स्टोर रूम हमने खाली करना है, जैसे इसको यहाँ पे रख देते हैं। और अहमद भाई भी लगे हुए हैं ऑर्डर वगैरह ले रहे हैं, शिफात भाई भी इंतज़ार में कि कोई ऑर्डर वगैरह हमारा जल्दी से आ जाए इंशाल्लाह से। और ये मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ है, आप लोग ऑर्डर दे सकते हैं, यहाँ पे बिल वगैरह इस तरह बनते हैं। अमाद काइट्स मेकर के बिल बुक है यहाँ पे, और ये काइट्स के पार्सल वगैरह पैक हो रहे हैं पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह से। और काइट स्टोर के बस चंद ही टाइम है कि इसको हम इंशाल्लाह खाली करेंगे। फैंसी तावे जो कल दिखाए थे वो भी हमारे पास हैं, और मतलब कि इसके अलावा ये भी हमारा अनबॉक्सिंग के लिए पड़ा, ये आपको इसकी बाद में वीडियो दिखाएंगे। और ये वाला हमने अनबॉक्स कर दिया था क्योंकि हमें कॉटन चाहिए था, उसके अंदर हमने दूसरा पार्सल भिजवा दिया है। तो ये और ये इसके अलावा हमारे जो और स्टॉक है, जो कि हमारा इंशाल्लाह से 2 से 3 दिन में हमारे पास वो भी आ जाएगा, तावा आ जाएगा, VIP जो केमिकल्स हैं, VIP बड़े जंबो साइज के पीस हैं, वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तकरीबन तमाम की तमाम जितनी भी VIP क्वालिटीज़ हैं 1 kg के पीस के अंदर, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएंगे। आपने आज की वीडियो को इंशाल्लाह एंजॉय किया होगा, बड़ा शुक्र लगाया अहमद भाई ने, काफ़ी मेहनत की है और अभी खाना खा के वापस आ चुके हैं, और इंशाल्लाह ये भी थके त्रुटे हुए हैं लेकिन कोई मसला भी नहीं है। तो मतलब कहने का ये है कि जितनी भी आपको केमिकल्स, थ्रेड्स, काइट्स वगैरह चाहिए, रोज़ाना मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, तो अमाद काइट्स मेकर से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रोज़ाना इंशाल्लाह अच्छी क्वान्टिटी के अंदर और अच्छे रेट्स के अंदर आपको VIP थ्रेड्स देंगे, जिसके साथ आप काइट्स वगैरह उड़ाओगे तो इंशाल्लाह हमें ज़रूर याद रखोगे। तो आज की वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो कल मिलते हैं, बेमानिंदा अल्लाह हाफिज़। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें यार।